वेलकम टू आर चैनल टेक थ्योरी कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में हम फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है इसके बारे में जानने से पहले हम फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ देखेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉर्मली हम फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ किसी भी गुड डेटाबेस और बैड डेटाबेस डिज़ाइन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बैड डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है तो बैड डेटाबेस डिजाइन हम उसको बोलते हैं जहां पर डेटाबेस में रिपीटेशन होती है इंफॉर्मेशन की और हम सर्टेन इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते डेटाबेस के डेटा बेस को हम बैड डेटाबेस बोलते हैं तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज हम गुड डेटाबेस और बैड डेटाबेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं और फंक्शनल डिपेंडेंसी का दूसरा इम्पोर्टेंट यूज किसी भी लीगल रिलेशन में या सेट ऑफ लीगल रिलेशन में कंस्टेंट जिसे हम रूल्स भी कहते हैं उन्हें स्पेसिफाई करने के लिए ही होता है नाउ वी विल सी वॉट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझने के लिए हम एक मैथेमेटिकल एक्सप्रेशन लेंगे मान लीजिए हमारे पास एक मैथेमेटिकल एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इस मैथेमेटिकल एक्सप्रेशन से हम ये समझ सकते हैं कि x की वैल्यू जो भी हम पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू होगी जैसे यदि हमने x की वैल्यू वन रखा तो y की वैल्यू थ्री होगी x की वैल्यू टू रखा तो y की वैल्यू फोर होगी तो इसका मतलब है कि y फंक्शनल डिपेंडेंट है किसके ऊपर x के ऊपर या इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग ही y की वैल्यू होगी तो x की वैल्यू फंक्शनली डिटरमाइन कर रही है y की वैल्यू को किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब हम इस तरीके की क्वेश्चन लिखते हैं तो हम उससे ये रूल फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब हम एक्स की एक वैल्यू पुट करेंगे तब वाई की एक वैल्यू ही मिलेगी एक्स की दो डिफरेंट वैल्यू पर हमें वाई की सेम वैल्यू तो मिल सकती है लेकिन एक्स की सेम वैल्यू पर हमें y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू नहीं मिल सकती जैसे x की वैल्यू यदि हम दो बार पुट करें वन वन तो वाई की वैल्यू हमें थ्री ही मिलना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार थ्री मिल रही है एक बार फोर मिल रही है इस कंडीशन में उस इक्वेशन में जो भी एक्स के ऊपर वाई की डिपेंडेंसी है वो नहीं होगी लेकिन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यदि कोई फंक्शन है और हम स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो x की वैल्यू माइनस फाइव हो या x की वैल्यू फाइव हो दोनों टाइम्स हमें y की सेम वैल्यू मिलेगी तो x की दो डिफरेंट वैल्यू पर हमें y की सेम वैल्यू तो मिल सकती है लेकिन x की दो सेम वैल्यू पर हमें y की दो डिफरेंट वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए सेम यही कॉन्सेप्ट हम हमारे रिलेशन या डेटाबेस के ऊपर करते हैं किसी भी रिलेशन में फंक्शनली डिपेंडेंट का यूज हम एक वैल्यू पुट करके दूसरी वैल्यू निकालने के लिए नहीं करते बल्कि दूसरी वैल्यू सर्च करने के लिए करते हैं जैसे यदि मैं बोलूं कि एम्प्लॉय नेम जिसका ए है उसका डिपार्टमेंट कौन सा है तो हम ये सर्च करेंगे इस रिलेशन में से और फाइंड आउट करेंगे मार्केटिंग है मान लीजिए हमारे पास ये एक रिलेशन है एम्प्लॉय इसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट यदि इस रिलेशन में हम एम्प्लॉय नेम को इस एट्रीब्यूट को एक्स माने और डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट को y माने तो x की हमारे पास तीन वैल्यू हैं a b c और y की हमारे पास तीन वैल्यू है मार्केटिंग मार्केटिंग और प्रोडक्शन फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए हम जानते हैं कि x की दो डिफरेंट वैल्यू पर हमें y की सेम वैल्यू मिल सकती है लेकिन x की सेम वैल्यू पर हमें y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज नहीं मिल सकती तो यहाँ पर इस रिलेशन में या हमारे पास एक्स की दो वैल्यू हैं दो डिफरेंट वैल्यू है ए तो और बी वाई की सेम वैल्यू है मार्केटिंग और मार्केटिंग इस कंडीशन में एम्प्लॉय नेम हमारा डिपार्टमेंट को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है तो यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी इस रिलेशन में एग्जिस्ट है अब मान लीजिए इसी रिलेशन में हमारे पास एक्स की दो सेम वैल्यू है जैसे ए यदि रिपीट हो रहा है फर्स्ट रो पे और थर्ड रो पे लेकिन इस कंडीशन में वाई की दो डिफरेंट वैल्यू भी है मार्केटिंग और प्रोडक्शन तो इस रिलेशन में एम्प्लॉय नेम हमारा फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा डिपार्टमेंट को क्योंकि जब हम ये कहेंगे कि एम्प्लॉय नेम ए का डिपार्टमेंट कौन सा है तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट है मार्केटिंग है या प्रोडक्शन है ये क्लियर नहीं है इसलिए यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगी सेम रूल जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए लिखा कि एक्स की दो वैल्यू पर अलग अलग वैल्यू पर हमें वाई की वैल्यू तो सेम मिल सकती है लेकिन एक्स की एक ही वैल्यू पर हमें वाई की दो वैल्यू नहीं मिल सकती हम रिलेशन में भी अप्लाई करते हैं तो फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी एक रिलेशन या एसोसिएशन है दो एट्रीब्यूट के बीच में नॉर्मली ये एसोसिएशन हम एक ही रिलेशन में दो एट्रीब्यूट के बीच में लेते हैं प्राइमरी की या नॉन प्राइमरी की वैल्यू पर और इसे हम अनदर इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी रिलेशन में कोई भी एट्रीब्यूट फंक्शनल डिपेंडेंट होगा दूसरे एट्रीब्यूट पर जब केवल और केवल एक ही वैल्यू यूनिक वैल्यू उसे फाइंड आउट हो रही है तो वो एट्रीब्यूट फंक्शनल डिपेंडेंट होगा फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं एक्स और एरो के साइन के साथ वाई जो आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है उसे हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं और इसे हम वाई वैल्यू को डिपेंडेंट बोलते हैं जो आपकी राइट हैंड साइड पर वैल्यू आती है इसे हम इस तरीके से रीड करेंगे एक्स इज़ फंक्शनली डिटरमाइंस वाई एक्स की वैल्यू फंक्शनली डिटरमाइन कर रही है वाई की वैल्यू को और वाई इज़ फंक्शनली डिटरमाइंड बाई एक्स जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय नेम क्या फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है डिपार्टमेंट को या नहीं हम इसे एम्प्लॉय नेम और एरो के साइन के साथ डिपार्टमेंट इस तरीके से लिख सकते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी का मैथमेटिकली फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है यदि किसी भी रिलेशन में एक्स और वाई उसके सबसेट हों जैसे इस कंडीशन में एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट हमारे सबसेट हैं एक रिलेशन एम्प्लॉय के मान लीजिए इस टेबल का नाम एम्प्लॉय है तो हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कब कहेंगे यदि x के दो टपल किसी भी x के दो टपल मान लीजिए हम इस एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट के बीच में फंक्शनली डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं तो पहला टपल a और थर्ड टपल a यदि दोनों की वैल्यू सेम है तब हमारी y वैल्यू भी सेम होनी चाहिए यहाँ पर डिपार्टमेंट का पहला रो हमारा पहला टपल होगा और थर्ड टपल हमारा सेकेंड वाई वैल्यू होगी तो मार्केटिंग और यहाँ पर मार्केटिंग यदि होता तो हम इसे बोल सकते थे एक्स फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है वाई को लेकिन यहाँ पर दोनों वैल्यू हमारी डिफरेंट है इसलिए ये फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा तो अब हम एक, एक एग्जाम्पल देखेंगे किसी रिलेशन में हम कैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं मान लीजिए हमारे पास ये एक रिलेशन है एम्प्लॉय इसमें कुछ वैल्यूज भी हैं हम फंक्शनल डिपेंडेंसी का रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे एक्स फंक्शनली डिटरमाइन करेगा वाई को कब जब एक्स के टपल टी वन और टी टू इक्वल होंगे और टी वन और टी टू वाई के जो टपल हैं वो भी इक्वल होंगे हम सबसे पहले एम्प्लॉय आई डी और एम्प्लॉय नेम के बीच फंक्शनली डिपेंडेंसी चेक करेंगे हम इसके सारे रो को चेक करेंगे कि क्या इनकी टू वैल्यू सेम है तो आप यहाँ देख सकते हैं वन ज़ीरो वन है एक टपल टी वन एक्स और दूसरा टपल है वन ज़ीरो टू ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है आप इस टेबल में देखें तो कोई भी वैल्यू सेम नहीं है वन ज़ीरो वन का रिपीटेशन नहीं है ना वन ज़ीरो टू का है ना वन जीरो थ्री का है तो हमें इस कंडीशन में वाई वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब टी वन एक्स और टी टू एक्स दोनों इक्वल होंगे तभी हम इस कंडीशन में जाएंगे इसका मतलब है कि एम्प्लॉय आई डी एम्प्लॉय नेम फंक्शनल डिपेंडेंसी है अब हम चेक करेंगे एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आई के बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि नहीं इसका जस्ट अपोजिट बिल्कुल डिफरेंट है एम्प्लॉय आई और एम्प्लॉय नेम से अब यहाँ पर एक्स क्या हो गया एम्प्लॉय नेम और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी एम्प्लॉय आई अब हम ये चेक करेंगे कि क्या एम्प्लॉय नेम फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है एम्प्लॉय आई को यहाँ पर हमें चेक करना होगा एम्प्लॉय नेम में क्या कोई दो टपल सेम है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टपल वन और टपल थ्री दोनों एक्स वैल्यू सेम है यहाँ पर है ए और यहाँ पर है ए तो टी वन एक्स और टी टू एक्स तो हमें दो सेम वैल्यू मिल गए अब हम चेक करेंगे ये वाली वैल्यू को वाई वैल्यू को क्या टी वन वाई और टी टू वाई भी सेम है तो ए का जो वाई वैल्यू है टपल वाई की जो पहली वैल्यू है वो है वन जीरो वन और वाई की जो टपल टू की वैल्यू है वो है वन जीरो थ्री तो यहाँ पर वन जीरो वन और वन जीरो थ्री तो सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा और इसलिए ये हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगा अब हम चेक करेंगे एम्प्लॉय आई और डिपार्टमेंट के बीच में तो आप देख सकते हैं कोई भी एक्स वैल्यू का रिपीटेशन नहीं है यहाँ पर एक्स क्या हो गया एम्प्लॉय आईडी और वाई क्या हो गया डिपार्टमेंट की जो वैल्यू होगी वो तो यहाँ पर कोई भी दो टपल सेम नहीं है इसलिए यहां पर फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी नेक्स्ट हम चेक करेंगे एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट के बीच में एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट के बीच में आप देखें तो एम्प्लॉय नेम एक्स हो गया और डिपार्टमेंट हो गया वाई तो एम्प्लॉय नेम के यहाँ पर दो सेम वैल्यू हैं टपल वन और टपल थ्री में तो टी वन एक्स हमारा ए हो गया और टी टू एक्स हमारा ए हो गया थर्ड रो वाला तो इन दोनों की वैल्यू सेम है अब हमें चेक करना पड़ेगा वाई वैल्यू तो क्या ये दोनों वाई वैल्यू भी सेम है टपल वन की और टपल थ्री की तो आप देख सकते हैं नहीं है इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट रिलेशन को एम्प्लॉय आईडी डी और एम्प्लॉय हमने अभी तक देखा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी दो एट्रीब्यूट के ऊपर वर्क करती है एक्स और वाई पर यहां पर हम कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं एम्प्लॉय आई और एम्प्लॉय नेम अब हम इसे कंप्लीट एक्स मानेंगे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के कॉम्बिनेशन को अब हम चेक करेंगे इस कंडीशन में एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को क्या इन दोनों एट्रीब्यूट के सेट एक्स में एम्प्लॉय आई पर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो आप देखेंगे कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, यहाँ पर ए ए है है और है, तो क्या फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है तो हमें वाई वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये फंक्शनली डिपेंडेंसी है यहाँ पर एक्स यहाँ पर फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है वाई वैल्यू को नेक्स्ट हम चेक करेंगे डिपार्टमेंट की आईडी के साथ डिपार्टमेंट हमारा एक्स हो गया और एम्प्लॉय आईडी हमारी वाई वैल्यू बन गई तो क्या डिपार्टमेंट की वैल्यू रिपीट हो रही है हम देखें तो एक्स की कोई भी टपल रिपीट नहीं हो रहा है एक्स का कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा तो हम वाई वैल्यू चेक नहीं करेंगे इसका मतलब है ये फंक्शनली डिपेंडेंट है किसके ऊपर एम्प्लॉय आईडी के ऊपर अब आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके डिपार्टमेंट डिटरमाइंस ई नेम डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय नेम डिटरमाइंस एम्प्लॉ आईडी डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉ आईडी डिटरमाइंस डिटरमाइंट एम्प्लॉय नेम इन तीनों को चेक करिए क्या यहाँ पर एक्स फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है वाई को यदि आपने चेक कर लिया है तो आप अपने आंसर यहाँ से चेक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं if you have any doubt please leave a message in comment box also don't forget to like share and subscribe our channel tech theory concept as it motivates us to create a new and knowledgeable video for you